देखो, आपने ड्रीम इलेवन के बारे में तो सुना ही होगा कि ड्रीम इलेवन प्लेटफॉर्म के थ्रू काफी सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। अब काफी सारे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन इस वाले वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी लाखों रुपए कमाने वाले हो, इसका गारंटी मैं आप लोग से लेता हूँ। अब मुझे पता है इस वाले वीडियो को दो ऐसे लोग देख रहे होंगे, पहले तो वैसे लोग जिन्होंने ड्रीम इलेवन को खेला है लेकिन वो बुरी तरीके से लॉस पे गए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक सीक्रेट हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग ड्रीम इलेवन को खेलोगे तो आप लोग जीतोगे ही जीतोगे। एंड दूसरा तो वैसे लोग देख रहे होंगे जिन्होंने ड्रीम इलेवन के बारे में सुना तो है लेकिन ये नहीं पता है कि ड्रीम इलेवन होता क्या है, ड्रीम इलेवन कैसे खेल सकते हैं, ड्रीम इलेवन के थ्रू किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, ड्रीम इलेवन कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें तो यहाँ पर मैं आप लोग को बताने ही वाला हूँ। साथ में यार ड्रीम इलेवन को लेकर यहाँ पर मैं आप लोग के साथ ऐसा ऐसा ट्रिक को शेयर करने वाला हूँ, शायद ही आप लोग के साथ किसी ने शेयर किया होगा एंड आप लोग ड्रीम इलेवन के थ्रू पैसे कमाने वाले हो। एंड यहाँ पर मैं आप लोग को ये नहीं बोलूंगा ये वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को स्किप मत करना, वो सब आप पे डिपेंड करता है, सीधे मुद्दे को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को सबसे पहले ये बताता हूँ कि आखिरकार ड्रीम इलेवन होता क्या है। तो ड्रीम इलेवन एक फैंटेसी ई स्पोर्ट है जहाँ पर आप लोग अपना खुद का एक टीम बना सकते हो एंड आप जो टीम बना रहे हो अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो आप लोग पैसे जीत जाते हो। एंड यहाँ पर आप लोग को ये सवाल निकल के आता होगा, क्या जो हमारा ड्रीम इलेवन है वो लीगल है या फिर इलीगल है? तो काफी सारे लोग ना ड्रीम इलेवन को एक सट्टा टाइप में समझते हैं कि यहाँ पर पैसा लगाया जाता है, सट्टा है तो ये पूरा इलीगल होगा। तो मैं आप लोग कहना चाहूंगा गाइज, जो हमारा ड्रीम इलेवन है वो फुल्ली लीगल है हमारे इंडिया पे, यानी कि कानूनी है। एंड कुछ स्टेट है जैसे कि उड़ीसा, तेलंगाना, वहां पर ये इलीगल है, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स के इंडिया पे जो हमारा ड्रीम इलेवन है वो फुल्ली लीगल है। अब चलो मैं आप लोग को ये बताता हूँ आप लोग किस तरीके से ड्रीम इलेवन को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप लोग एंड्रॉइड यूजर हो, सबसे पहले आप लोग को अपना कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है एंड आप लोग को सर्च करना है ड्रीम इलेवन। तो आप लोग को फर्स्ट पे एक वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, आप लोग को उस पर चले जाना है एंड आप लोग को डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना, आप लोग का डाउनलोड हो जाएगा। एंड अगर आप लोग iOS यूजर हो तो सिंपली आप लोग को अपना ऐप स्टोर को ओपन करना है, सर्च करना है ड्रीम इलेवन, आप लोग को ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग ओपन करते हो शुरुआत में आप लोग को ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड उसके बाद से आप लोग को रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लोग लॉगिन कर सकते हो, वरना आप लोग को इनवाइट बाय अ फ्रेंड पे आप लोग क्लिक करना है। देखो यहाँ पर आप लोग इन्विटेशन कोड के साथ आप लोग यहाँ पर आते हो एंड रजिस्टर करते हो तो गाइस आप लोग को बोनस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मेरा आप लोग को इन्विटेशन कोड देखने को मिल रहा होगा, आप लोग सिंपली वो डाल देना, अपना मोबाइल नंबर को डाल देना एंड रजिस्टर पर क्लिक करना। आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, वो आपको यहाँ पर डाला जाएगा। उसके बाद से आप लोग को अपना नेम को बताना है, जैसे आप लोग नेम फिलअप करोगे उसके बाद से आप लोग का रजिस्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड यहां पर आप लोग को ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग देख पर यहां पर आप लोग काफी सारे मैचेस देखने को मिल रहे हैं जो कि हमारा क्रिकेट का होने वाला है। यहां पर आप लोग को सारे स्पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तो जिस पे भी आप लोग इंटरेस्टेड हो आप लोग को सिंपली वो चूज करना है। यहां पर मैंने क्रिकेट चूज किया क्योंकि मैक्सिमम लोग यहां पर क्रिकेट ही यहां पर पसंद करते हैं। अब यहां पर देख लो बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, तो जो भी मैचेस को यहां पर मेरे को खेलना है यानी कि जिस भी मैच पे यहां पर मेरा अपना एक टीम बनना है, जैसे कि यहां पर CSK वर्सेस कोलकाता हो रहा है तो इस पे मेरे को यहां पर अपना टीम बनाना है। तो यहां पर मैं सिंपली उस पे चूज करूंगा, जैसे उस पे चूज करूंगा ना उसके बाद से यहां पर मेरे को काफी सारे कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, जैसे कि यहां पर 2700 रुपए एंट्री फीस है, उसके बाद से 18 करोड़ तक यहां पर मैं जीत सकता हूं। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताऊं ये फालतू की बात है, यहां पर भाई एक ही जन यहां पर 18 करोड़ नहीं, यहां पर सिंपली भाई लेवल वाइज होता है। जैसे कि मान के चलो आप लोग 1000 रैंक के अंदर है तो 1000 रैंक में हो सकता है आपका 500 प्राइज हो तो आपको 500 मिलेगा, मतलब कि डिवाइड कर दिया जाता है प्राइस को, उस हिसाब से यहां पर मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सा कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है, ये अब बहुत यहां पर कंफ्यूजन वाला है, आप लोग के मन में सवाल निकल के आता है कौन सा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करें जिससे हम लोग जीत सके। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करना, यहां पर नंबर ऑफ टीम्स पे आप लोग को 2, 3 and 10 कर देना एंड अप्लाई कर देना। उसके बाद से यहां पर 3 मेंबर वाले, 2 मेंबर वाले एंड यहां पर 4 मेंबर वाले आप लोग को यहां पर कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोग का सवाल होगा कौन सा कॉन्टेस्ट खेले, हेड टू हेड खेले यानी कि हम लोग यहां पर सिंपली लगाए, आगे वाला बंदा भी लगाया जो यहां पर जीता उसका, या फिर हम लोग 3 मेंबर वाला खेले जिसमें 3 लोग यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर 4 मेंबर वाला हम लोग यहां पर खेले, आखिरकार कौन सा खेले? तो यहां पर मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा 3 मेंबर वाला। अब यहां पर मैं 3 मेंबर वाला क्यों रिकमेंड कर रहा हूं ये यहां पर मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, फिलहाल यहां पर मैं आप लोग को ये बताता हूं आप लोग को किस तरीके से कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। अब जैसे कि यहां पर मैं सिंपली देख पा रहा हूं काफी सारे आप लोग को यहां पर कॉन्टेस्ट देखने को मिल जा रहे हैं, कितने प्राइस वाले आप लोग को यहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं वो भी यहां पर मैं आप लोग को बताने वाला हूं, कौन से टाइमिंग पे आप लोग को यहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है वो भी यहां पर मैं आप लोग
को बताने वाला हूँ, बस आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, ओके। एंड किस तरीके से आप लोग को टीम बनाना है अभी तो आप लोग वो देखो। तो मान के चलो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो 17 रुपये एंट्री फीस है, अगर मैं जीतता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 44 रुपये मिलेगा। तो इस वाले को यहाँ पर चूज करता हूँ, मेरे से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, कहाँ से मैं हूँ, कौन से स्टेट से हूँ वो यहाँ पर पूछेगा, आपको वो डाल देना है। एंड उसके बाद से आपको गो अहेड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना। यहाँ पर आप लोग को बताया जा रहा है एक रन पे आप लोग को 1 पॉइंट मिलेगा, एक विकेट पे आप लोग को 25 पॉइंट मिलेगा, एक कैच पे आपको 8 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को बता दिया गया है। तो इस हिसाब से आप लोग को यहाँ पर सिंपली पॉइंट्स आप लोग का यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम टीम बनाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टीम आप लोग किस तरीका से बनाना है। काफ़ी सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर भाई एस बिलिंग का 71%, मतलब कि एस बिलिंग को 71% लोग ने यहाँ पर पसंद किया, तो सिंपली उसको अपने टीम में ले लेते हैं। लेकिन आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखो गाइस, आप यहाँ पर सिंपली ज़्यादा परसेंटेज वाला प्लेयर को चूज़ कर रहे हो, एंड जो आपका मान के चलो कोई और बंदा है जो आपका कॉन्टेस्ट में ज्वाइन है वो भी यहाँ पर सेम चीज़ कर रहा है, यानी कि जिस पर भी यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज मिला है जो टीम को उसको यहाँ पर सिंपली चूज कर रहा है, तो क्या होगा, आप यूनिक प्लेयर को चुन ही नहीं पाओगे, यानी कि यूनिक टीम आप लोग नहीं बना पाओगे, जिससे क्या होगा आप लोग यहाँ पर जीत ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो आप टीम बना रहे हो अगला भी तो वही टीम बना रहा है ना। तो आपको क्या करना, अपना एक यूनिक टीम बनाना है जिससे कैसे आप लोग यहाँ पर जीत पाओ। तो यहाँ पर यूनिक टीम बनाते कैसे, अब देखो यहाँ पर मैं जो भी टीम बना रहा हूँ उसका यहाँ पर मैं आप लोग को रिजल्ट भी शो करूंगा, जी हाँ, यानी कि मैं आप लोग को बताऊंगा ही कि जो भी यहाँ पर मैं आप लोग को टीम बना के दिखा रहा हूँ उस टीम के थ्रू यहाँ पर मैं जीता भी हूँ कि नहीं जीता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरे को विकेट कीपर चुनना है, तो विकेट कीपर पे यहाँ पर मैं सिंपली एम एस धोनी को चूज़ कर लेता हूँ, एस बिलिंग को चूज़ कर लेता हूँ। अब देखो ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको यहाँ पर सिंपली जो फेमस फेमस प्लेयर है उसको यहाँ पर आप लोग को चूज़ कर देना है, भाई देखो फेमस प्लेयर का भी एक अपना एक फॉर्म होता है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो यहाँ पर फॉर्म में चल रहा है, एंड कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको लगता है कि वो यहाँ पर अच्छा खेलेगा, बाकी सबको नहीं लगता है। तो आपको अपना एक यूनिक टीम बनाना है। अब ऐसा नहीं है कि यूनिक टीम बनाने के चक्कर में आप उन उन प्लेयर को ले लो जो यहाँ पर सदियों से फॉर्म में नहीं है, तो भाई आपको यहाँ पर आईपीएल का हाईलाइट देखना है, आप लोग को माहौल देखना है, आप लोग को ये चेक करना है कि कौन सा प्लेयर ज्यादा फॉर्म में चल रहा है। एंड बैटर्स पे बात कर लेते हैं, तो बैटर्स पे ए राइडू को, एस अय्यर को, एन राणा को, आर गायकवाड़ को, तो यहाँ पर मैंने इसको चूज किया। अब ऑलराउंडर को, तो ऑलराउंडर यहाँ पर आर जडेजा और आंड्रे रसल, तो यहाँ पर मैंने ये चूज कर लिया है। उसके बाद से बॉलर्स पे, तो बॉलर्स पे यहाँ पर मैंने डी ब्रावो, उसके बाद से यू यादव और ए मिलने, तो यहाँ पर मैंने सिंपली ये अपना एक टीम बनाया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, कंटिन्यू का मेरे को यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपली यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा उसके बाद से यहाँ पर मेरे को कैप्टन एंड वाइस कैप्टन का चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब देखो यार, आपको यहाँ पर यूनिक चूज करना है। अब देखो यार, काफी सारे लोग तो यहाँ पर जो फेमस फेमस प्लेयर होंगे सिंपली उसको कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बना देंगे, लेकिन आपको वो चीज नहीं करना है। आपको यहाँ पर देखना है कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर अच्छा खेल सकता है, थोड़ा यूनिक यहाँ पर गेस करना है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ही आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप लोग जीतोगे या फिर नहीं जीतोगे। जैसे कि यहाँ पर मैं एस अय्यर को यहाँ पर कैप्टन बना रहा हूँ एंड आंड्रे रसल को यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन बना रहा हूँ। उसके बाद से यहाँ पर सेव टीम पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद से यहाँ पर सिंपली क्या करना पड़ेगा, आप लोग को यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे गाइस आपको यहाँ पर पेमेंट डन हो जाता है, उसके बाद से आप लोग यहाँ पर कॉन्टेस्ट पे ज्वाइन हो जाओगे। अब यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताता हूँ, जो यहाँ पर मैंने अपना एक टीम बनाया जिस कॉन्टेस्ट पर यहाँ पर मैंने ज्वाइन हुआ, क्या वो कॉन्टेस्ट यहाँ पर मैं जीत पाया, तो यहाँ पर चलो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यार जैसे कि आप लोग देख पर रिजल्ट आपके सामने आ चुका है, एंड यहाँ पर मैं 44 रुपये जीत चुका हूँ। यहाँ पर मैं आप लोग को टीम भी दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग देख पर ये रहा मेरा टीम, एंड जिस भी प्लेयर को यहाँ पर मैंने लिया था सब प्लेयर से मेरे को यहाँ पर पॉइंट देखने को मिला है। जिसका ज़्यादा पॉइंट रहेगा वो यहाँ पर जीत जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मेरे को हर एक प्लेयर से पॉइंट देखने को मिला है, एंड मेरा गेसिंग यहाँ पर सही निकला है, इसलिए यहाँ पर मैं जीत गया। अब देखो यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया आप लोग किस तरीके से खुद का अपना एक टीम बना सकते हो। अगर आप लोग को फिर भी समझ नहीं आया, अगर आप लोग चाहते हो जो मैं अपना टीम बनाता हूं वो मैं आप लोगों को बता दिया करो, तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, एंड यहां पर आप लोगों को यूजर नेम भी शो रहा होगा, आप लोग वहां पर जाके ज्वाइन हो जाओ। आप लोग कमेंट निकल के आएगा, मैं वहां पर डाल दूंगा कि मैंने अपना कौन सा टीम को बनाया है। अब यहाँ पर मैं आप लोग काफी सारा हिडन सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा ड्रीम इलेवन का, जिससे आप लोग ड्रीम इलेवन खेलोगे आप लोग 100% जीतोगे, यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोग को ड्रीम इलेवन का एक और फीचर के बारे में बताना चाहूंगा। भाई देखो जैसे आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाए कलेक्ट 500 एंड इन्वाइट का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो गाइज आप लोग अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर सकते हो। अगर आप लोग अपने फ्रेंड को इन्वाइट कर रहे हो तो आप लोग को यहाँ पर 500 रुपये कैश बोनस आप लोग को देखने को मिल जाता है, यानी कि आप लोग रेफर करोगे तो आप लोग को यहाँ पर कुछ पैसे देखने को मिलेंगे। तो इस से भी गाइस आप लोग यहां पर पैसे कमा सकते हो ड्रीम इलेवन के थ्रू। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, ये वीडियो को ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो ड्रीम इलेवन को खेले लेकिन हार चुके हैं, तो उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है वह यहां पर मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि मान के चलो मंडे को आपने यहां पर एक कॉन्टेस्ट को खेला,
आप हार गए, उसके बाद से आप डीमोटिवेट हो गए कि भाई यहाँ पर मैंने लगाया था, हार गया मैं, चलो कोई नहीं, यहाँ पर नेक्स्ट टाइम लगाता हूँ ताकि मैंने जो लगाया है वो मेरा यहाँ पर वापस आ जाए। तो नेक्स्ट डे भी आपने ट्यूजडे को आपने एक कॉन्टेस्ट को खेला, उस पर भी आप हार गए। अब दो बार लगातार हारने के बाद आप पूरा डीमोटिवेट हो जाते हो, आपको लग जाता है कि नहीं भाई ये कुछ नहीं हो पाएगा, झूठ मुठ का यहाँ पर मैं इस पर लगा रहा हूँ, मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है। तो उसके बाद फिर भी आप लोग हिम्मत करके आप लोग थर्ड टाइम लगाते हो एंड सोचते हो कि काश लग जाए, लक लग जाए मेरा, एंड यहाँ पर मैंने जितना भी पैसा लगाया वो एटलीस्ट मेरा वापस आ जाए। आप थर्ड टाइम लगाते हो, आपका किस्मत इतना ख़राब है कि आप थर्ड टाइम भी हार जाते हो। अब थर्ड टाइम लगातार हारने के बाद ऑब्वियसली बात है आप लोग पूरा कंप्लीटली आप लोग डीमोटिवेट हो जाओगे एंड आप लोग गिवअप कर दोगे, आप लोग बोलोगे ड्रीम इलेवन बहुत बेकार है, ये सब चीज़ बेकार है, एंड उसके बाद से आप लोग ये बोलने वाले हो मेरा किस्मत ही घटिया है। तो मैं आप लोग कहना चाहूँगा मेरे भाई, आपका किस्मत घटिया नहीं है, जो आप टीम बना रहे हो वो यहाँ पर आपका सही नहीं। आपको ये नहीं पता है कौन सा कॉन्टेस्ट आप लोगों को ज्वाइन करना है, कितने कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने हैं, कौन से टाइमिंग पे आप लोगों को यहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है, क्या यहाँ पर ट्रिक है, तो सारी चीजें इसी वीडियो पे आप लोगों को पता लगने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो भाई आपका टीम है। अगर आप लोग अपना टीम अच्छा बना रहे तो कोई भी आप लोग कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो, आप लोग 100% जीत ही जाओगे। तो मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया आप लोग किस तरीके से अपना एक बेस्ट टीम बना सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि कौन सा आप लोग को यहाँ पर कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। अब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है काफी सारे आप लोग को यहाँ पर कॉन्टेस्ट देखने को मिलते हैं, तो आप लोग यहाँ पर सिंपली ये देखते हो किस पे यहाँ पर एंट्री फी कम है एंड किस पे मेरे को बड़ा अमाउंट देखने को मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर सिंपली फिल्टर वाले बटन पे क्लिक करना है एंड आपको यहाँ पर सिंपली चूज कर लेना 2, 3, and 10 वाले मेंबर्स। तो सिंपली जैसे आप लोग उसको अप्लाई करोगे उसके बाद से आप लोग को यहाँ पर वो वाले कॉन्टेस्ट देखने को मिल जाएंगे जिसपे 3 मेंबर, 4 मेंबर, 2 मेंबर यहाँ पर खेल सकते हैं। अब वो वाले कॉन्टेस्ट पे गाइस आपको ट्राई ये करना है कि हमेशा आप लोग 3 मेंबर वाले कॉन्टेस्ट को खेलो। अब यहां पर आप लोगों को यह सवाल निकल के आता होगा आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अब सबसे पहले बात कर लेंगे हेड टू हेड यानी कि जो 1v1 होता है, तो मैं आप लोग कहना चाहूंगा वो भी गाइस काफी बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा हूं 1v1 के लिए। तो गाइस देखो उस पे प्रॉफिट कम है यार, मान के चलो गाइस आप लोग यहां पर सिंपली 10 रुपए का कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर रहे हो, आपको 15 रुपए विनिंग देखने को मिलता है यानी कि 5 रुपए आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो इस तरीके से गाइस आप लोगों को यहां पर हेड टू हेड पे आप लोगों को ज्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहां पर 3 मेंबर, तो गाइस आप लोग यहां पर देखोगे 3 मेंबर पे आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। मान के चलो गाइस जैसे कि यहां पर मैंने 17 रुपए का एक कॉन्टेस्ट को ज्वाइन किया था, यहां पर मैं जीता तो मेरे को 44 रुपए देखने को मिला, यानी कि मेरे को यहां पर प्रॉफिट ज्यादा हुआ। प्लस यार मेरे को कंपटीशन उतना नहीं देखने को मिला, मेरे को बस यहां पर 2 ही लोग को यहां पर बीट करना है, जैसे यहां पर मैं बीट करूंगा फट से यहां पर मेरा पूरा पैसा मेरा। अब हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं 4 मेंबर, तो गाइस देखो 4 मेंबर भी आप लोग यहां पर खेल सकते हो, वो भी गाइस काफी बढ़िया है, लेकिन उस पे क्या होता है ना, मान के चलो 4 मेंबर है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा यहां पर कंपटीशन आप लोगों का इंक्रीज हो, आप लोगों को 3 लोग को बीट करना है, प्लस हल्का सा भी पॉइंट से यहां पर आप लोगों का कम बेसी हो गया 3 लोगों में, तो भाई आप लोग यहां पर हार जाओगे। इसलिए गाइस 3 मेंबर यहां पर मेरे को बेस्ट लगता है। तो जो मेरे को बेस्ट लगता है यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैंने आप लोगों को यह बता दिया कौन से मेंबर वाला आप लोग को कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कितने रुपए वाले आप लोगों को यहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है। तो मैं तो अपना आप लोग को बताऊं तो मैं सिंपली यहाँ पर थोड़ा बड़ा बड़ा कॉन्टेस्ट को खेलता हूँ। अब काफ़ी सारे लोग को ये लगता है कि जो यहाँ पर बड़ा बड़ा कॉन्टेस्ट होता है उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर आते हैं, जीतने का चांस कम रहता है। तो मैं आप लोग कहना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बड़ा बड़ा कॉन्टेस्ट पर कंपटीशन कम रहता है, आपका जीतने का चांस और भी ज़्यादा रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा, आप लोग का स्टार्टिंग है तो आप लोग को स्मॉल लीग वाला कॉन्टेस्ट को यहाँ पर ज्वाइन करना है। अब आपको अपने हिसाब से ये देखना है कि आपके हिसाब से स्मॉल लीग वाला कॉन्टेस्ट कौन सा है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने आप लोग को बोला था, यहाँ पर मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग ड्रीम इलेवन के थ्रू जीतोगे ही जीतोगे, आप लोग कभी भी नहीं हारोगे। तो मैं आप लोग को बताता हूँ, अब यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। मान के चलोगे इस मंडे के दिन एक कॉन्टेस्ट था, उस पर आपने 20 रुपये एंट्री लगाया एंड आप 20 रुपये मंडे के दिन हार गए। उसके बाद से ट्यूजडे को वही आपने 20 रुपये एंट्री लगाया एंड 20 रुपये आप लोग दोबारा हार गए, यानी कि आपका 40 रुपये का लॉस हो गया। अब तीसरे दिन मान के चलो आपने वही कॉन्टेस्ट खेला 20 रुपये वाला एंड आप जीत गए, तो गाइस आपको यहाँ पर 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपने 40 रुपये ऑलरेडी खो दिया एंड आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 20 रुपये आप लोग अभी भी लॉस पे हो, तो आप लोग यहाँ पर हार रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग जीतोगे ही जीतोगे। अब मान के चलो गाइस मंडे के दिन वही आपने 20 रुपये एंट्री लगाया था एंड आप 20 रुपये हार गए, यानी कि आपका 20 रुपये का लॉस हो गया। अब दूसरे दिन आपने क्या किया, सिंपली थोड़ा बड़ा वाला कॉन्टेस्ट को खेला, यानी कि आपने 40 रुपये कॉन्टेस्ट को खेला एंड 40 रुपये आपने लगाया। मान के चलो गाइस आप दूसरा दिन भी हार गए, लेकिन आपने तीसरे दिन क्या किया, आपने फिर से अपना बड़ा वाला लीग को यहाँ पर सिंपली आपने ज्वाइन कर लिया, यानी कि आपने यहाँ पर ट्यूजडे को आपने यहाँ पर सिंपली 40 रुपये कॉन्टेस्ट खेला था, आपने क्या किया वेडनेसडे के दिन आपने यहाँ पर 80 रुपये वाला कॉन्टेस्ट को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब मान के चलो गाइस वेडनेसडे के दिन यानी कि तीसरे दिन आप जीत गए, यानी कि गाइस आपको 80 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब गाइस जो आपने मंडे और ट्यूजडे को जो यहाँ पर हारा था वो आपको यहाँ पर मेकअप भी हो गया एंड आपको प्रॉफिट भी हो गया, तो आप लोग यहाँ पर समझे होंगे
क्या यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। बेसिकली गाइस मान के चलो आप यहाँ पर सिंपली स्मॉल लीग को खेल रहे हो, आप लोग हार रहे हो, तो आपको स्मॉल लीग खेल रहे हो तो वही लीग आप लोग को दोबारा से नहीं खेलना अगर आप उस पर हार चुके हो तो। आप लोग को थोड़ा बड़ा बड़ा लीग ज्वाइन करते जाना है। उसके लिए गाइस आपके पास यहाँ पर थोड़ा होना चाहिए फंड, तो आपको यहाँ पर थोड़ा वो देख लेना आपके पास फंड होना चाहिए। तो आप जब भी यहाँ पर जो स्मॉल लीग पे आप हारते हो थोड़ा यहाँ पर लीग को आप लोग सिंपली बड़ा वाला ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा अगर आप लोग अगले दिन जाते हो जो आप पीछे हार के रखे हो वो आपका मेकअप हो जाएगा। तो ये ट्रिक को आप लोग को यूज करना। अगर आप लोग इस वाले ट्रिक को यूज करते हो, आप लोग ड्रीम इलेवन खेल रहे हो तो आप लोग हारोगे नहीं, आप लोग जीतोगे ही जीतोगे एट द एंड। अब मैं आप लोग को ये बताता हूँ आखिरकार कौन से टाइमिंग पे आप लोग को यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है जिसपे आप लोग को नूब नूब बंदे देखने को मिलेंगे। तो गाइस देखो आप लोग को रात को ज्वाइन करना, रात को गाइस आप लोग यहाँ पर 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे इतने बजे गाइस आपको यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है जिससे आप लोग को नूब नूब आप लोग को यहाँ पर बंदे देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पर कहना चाहूंगा भाई देखो जब भी हमारा कोई भी मैच स्टार्ट होने वाला रहता है उसका 2 घंटा पहले आप लोग को यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये दोनों टाइमिंग पे आप लोग को यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है जिसपे आप लोग को नूब बंदा देखने को मिलता है, कंपटीशन कम रहता है एंड आपका जीतने का चांस बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को ये बताता हूँ आप लोग कितने कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है एक मैच पे। तो मैं आप लोग कहना चाहूंगा मिनिमम आप लोग को यहाँ पर 5 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करना है एंड वो भी आप पर डिपेंड करता है, आप चाहो तो एक भी खेल सकते हो लेकिन आपको यहाँ पर 5 कॉन्टेस्ट आप लोग को यहाँ पर ज्वाइन करना है। वो आप पर डिपेंड करता है कौन सा आप लोग को ज्वाइन करना है वो यहाँ पर आप लोग देख लेना, लेकिन मैंने आप लोग को बता दिया आप लोग को यहाँ पर 5 कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करना है। तो यार देखो ड्रीम इलेवन को लेकर यहाँ पर मैंने कोशिश किया कि यहाँ पर मैं आप लोग को सारा चीज इसी वाले वीडियो पर एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है, मेहनत पसंद आया है, तो वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, साथ में चैनल पर नहीं आए हो आप लोग को सब्सक्राइब करना है, साथ में गाइस आप लोग को बेल आइकन को ऑल पे करना अगर आप चाहते हो कि ड्रीम इलेवन को लेकर यहाँ पर मैं टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो और लाऊं तो आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल यहाँ पर ये वीडियो को एंड कर देते हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टू वाइट रहते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।